प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स ITI जॉब्स अपडेट एंड बेल्डर प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। इसके लिए ITI बेल्डर थ्योरी क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 23 हिंदी में है। ये क्वेश्चन नंबर 1, कास्ट आयरन की गैस बेल्डिंग के लिए किस प्रकार के फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी कम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी हल्की कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी हल्की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन डी हल्की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्रेज वेल्डिंग के लिए हल्की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट आयरन के लिए उपयुक्त फ्लक्स है? ऑप्शन ए सोडियम बोरेट, ऑप्शन बी लिथियम क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बोरेट। कास्ट आयरन के लिए फ्लक्स के रूप में सोडियम बोरेट प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तांबे की फ्यूजन वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकृत, ऑप्शन बी अधिक ऑक्सीकृत, ऑप्शन सी डीऑक्सीकृत और ऑप्शन डी पुनः ऑक्सीकृत। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी डीऑक्सीकृत इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं कॉपर की वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, तांबा की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी ऑक्सीकृत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम। कॉपर की गैस वेल्डिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस वेल्डिंग में बेयर धातु इलेक्ट्रोड और बारीक फ्लक्स की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए शम्बरजट आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी MIG वेल्डिंग, ऑप्शन सी MAG वेल्डिंग और ऑप्शन डी स्टड वेल्डिंग। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए समर्जेड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम और उसकी मिश्र धातु की TIG वेल्डिंग के लिए कौन सा करंट चाहिए? ऑप्शन ए AC, ऑप्शन बी DC, ऑप्शन सी DC SP, ऑप्शन डी DC RP। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए AC करंट, यानी एल्युमिनियम और उसके अलॉय के लिए AC करंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, TIG वेल्डिंग में नोजल किसका बना होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी सिरामिक। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी सिरामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में पिघला हुआ फ्लक्स और धातु को सीमित करने के लिए प्रयोग होने वाले सूज किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सिरामिक। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सू तांबे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्गन को स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह निष्क्रिय है, ऑप्शन बी
यह पोरोसिटी को रोकती है। ऑप्शन सी, यह सस्ती है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड के पिघलने में सहायक होती है। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यह निष्क्रिय गैस है इसलिए यूज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप